हाय फ्रेंड्स, दोस्तों आज मैं आप सभी को मस्कोवी डक से जुड़ी कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। साथ ही मस्कोवी डक पालने पर हमारा फ़ायदा होता है या खर्चा ज़्यादा होता है, सब कुछ आपको डिटेल्स बताने वाला हूँ। और जो मार्केट रेट है मस्कोवी डक का हमारे इंडिया सब कॉन्टिनेंट पर, वो भी आपको बताने वाला हूँ। और आपको लगता है कि वीडियो के दौरान में कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मैंने मिस कर दी, तो प्लीज़ आप सभी को निवेदन करते हो कि आप लोग कमेंट पर जरूर मेंशन कीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों मस्कोवी डक, जिसे ताइवान डक या चाइनीज या चीनी डक या कस्तूरी या आपके कारीना मसाटा के नाम से भी जाने जाते हैं, यानी अलग अलग शब्द पर अलग अलग नाम से जाने जाती है, ये एक बड़ा साइज का डक होता है। और जैसे कि आजकल इंडियन सब कॉन्टिनेंट के तकरीबन हर जगह पर, हर क्षेत्र पर पाए जाते हैं, तो ज़्यादातर लोग अपने घर में ही मस्कोवी डक को छोटे छोटे झुंड पर पालते हैं। मतलब कमर्शियल फार्मिंग उतना नहीं है जितना दूसरे बतख के होते हैं, तो इसे खासकर लोग अपने घर में ही मीट के लिए ही पालते हैं। और कुछ लोग, गिने चुने लोग, शौक के वजह से भी मस्कोवी डक को पालते हैं एज ए पेट। तो ये जो डक है ये बहुत ही शांत स्वभाव का होते हैं और फ्रेंडली भी होते हैं। और लगभग इसके सबसे खास बात कि सभी वेदर में एडजस्ट कर लेता है, चाहे ठंड हो या गर्मी हो, कुछ दिक्कत नहीं होता। दोस्तों अगर वज़न की बात करें, मैंने पहले ही कहा था कि ये बड़ा साइज़ का बतख होता है, तो मेल का वज़न आपके लगभग 5 किलो से लेके लगभग 7-7.5 केजी तक हो सकता है। और फीमेल की बात करें तो मेल के मुकाबले आपके आधे वज़न होते हैं, जैसे कि आपके मान लीजिए 2.5 या 3 केजी से लेके आपके 4 केजी के आसपास ही होते हैं, ये हुआ वज़न। तो अभी हम बात करते हैं कि ये जो मस्कोवी डक होते हैं इसका चारे में क्या दे, यानी इसका भोजन क्या क्या है। तो देखिए, बाकी डक जो खाते हैं वे मस्कोवी भी कुछ ऐसा ही भोजन लेती है, जैसे कि छोटी मछली, घास फूस इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, कीड़े मकोड़े, फल सब्जियाँ, मक्का, भूसा, धान, चावल, मतलब सब कुछ हम आराम से खिला सकते हैं। और खाने पर उतना हिचकिचाते भी नहीं, बहुत ही शौक से खा लेती है। और घास फूस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड होते हैं, जिससे हमारा चारे पर बहुत, मतलब जो खर्चा होता है वो काफ़ी ज़्यादा तक कम हो जाता है। तो अभी शेल्टर की बात करें तो मस्कोवी डक जैसे कि खुद भी शांत होता है और उसका शेल्टर भी शांत और एकांत में होना जरूरी होता है। और साथ में आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि शेल्टर को आप ऐसे बनाए कि हवादार होना चाहिए, यानी हवा आ जा सके, उसका हमें ध्यान रखना होगा। और ये जो बतख है काफ़ी बड़ा साइज होता है, खास करके मेल, तो तकरीबन एक बतख के लिए, मस्कोवी डक के लिए 3 स्क्वायर फीट जगह की हमें ज़रूरत होती है। तो 3 स्क्वायर फीट के हिसाब से आप अपना शेल्टर जो है वो बना सकते हैं। तो अभी देखिए, अंडे की बात करें तो मस्कोवी डक का अंडा बड़ा साइज का होता है और सफ़ेद रंग का होता है। तो मेल और फीमेल जो है बाकी बतख के जैसा ही तकरीबन 6 महीने पर मैच्योर हो जाता है, और फीमेल तकरीबन 60 से लेकर 100 अंडे के बीच ही एक साल में अंडे देती है। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम 60 निकाले या 100, मतलब बाकी इंडियन रनर या खाकी कैम्बेल के मुकाबले बहुत कम अंडे देती है। और ब्रूडिंग की बात करें तो मस्कोवी डक लगभग 35 दिन टाइम लेती है अपने अंडे को हैच करने के लिए, और ये डक बहुत ही अच्छे ब्रूडी होती है। जी हाँ दोस्तों, बहुत अच्छे ब्रूडी होती है, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा निकलता है। तो अभी चलिए, अभी वैक्सीन की बात करें तो सटीक टाइम पर बतख का टीका लगवाना बहुत ज़रूरी होता है, ये तो सभी को मालूम है। खास करके 2 टीके तो हमें चाहिए ही चाहिए, एक है आपके 4 सप्ताह में डक कॉलरा का और दूसरा है जो 8 सप्ताह में डक प्लेग का। तो इसके अलावा भी इसके खान पान में विटामिन, कैल्शियम और आपका जो प्रोटीन, इन सब का हमें ध्यान रखना पड़ता है, तो उसका भी हमें थोड़ा इंतज़ाम करना होगा। तो अभी चलिए मस्कोवी डक से जुड़े कुछ बिजनेस की बात करें। तो देखिए, मस्कोवी डक का जो कमर्शियल फार्मिंग है वो बहुत ही कम है, यानी प्रोडक्शन बहुत ही कम है, इस वजह से इसका दाम जो है बहुत ज़्यादा होता है। तो नॉर्थ ईस्ट पर, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पर तकरीबन अभी 1000 रुपये के आसपास से, और विंटर में ये 1200 से लेकर 1500 तक हर एक मस्कोवी बतख बिकता है। मतलब दाम इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि डिमांड ज़्यादा है लेकिन सप्लाई बहुत ज़्यादा
कम है। तो दोस्तों, अगर आप में से कोई मस्कुलर डक का फार्मिंग करना चाहता है एज ए कमर्शियल पर्पस, तो बेफिक्र होकर आप आराम से कर सकते हैं। इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसका दाम भी बहुत ज़्यादा है। 6 महीने में मतलब मैच्योर हो जाता है, बेचने लायक हो जाता है। और अगर हम और भी अच्छी तरह से केयर करें तो 5 महीने ही आराम से बेच सकते हैं। तो आप पहले अपने फार्म पर थोड़ा कम क्वांटिटी पर लाइए। मैं तो यही प्रीफर करूँगा कि 50 लाइए, उससे आप एक्सपीरियंस लीजिए, कुछ सीखिए, बाद में आप इसे बढ़ा दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, जय हिंद।